इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुस्तक में जो बोल्ड लेटर में हिंदी हिंदी लिखी है उस पर आप ध्यान देंगे, जहाँ कहीं हमें थोड़ा सा प्राकृत संस्कृत भी पढ़ाना होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। अब दैव शेख रात्रिक प्रतिक्रमण में समस्त अतिचारों की विशुद्धि के लिए कायुश्वर करता हूँ। चलो अब रमोकार मंत्र तो सब पढ़ ही लेते हैं, इसलिए पढ़ो। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलंगलम, साहू मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा। जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ो, इसमें अरहंता नहीं लिखा, अरहंत लिखा है तो अरहंत ही पढ़ना है ना। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, पवज्जामि, यहाँ तक आपने ये पढ़ लिया। अब नीचे इसकी हिंदी नहीं, ये तो चार मंगल वगैरह तो सिंपल है, ये तो सब जानते ही हैं। नीचे वाला जम्बू द्वीप, धात की खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप, इन ढाई द्वीपों में तथा लवण और पांच ऐरावत एवं पांच विधे, इन 15 कर्म भूमियों में अरहंत केवली, तीर्थंकर केवली, अनुबद्ध केवली, अंतकृत केवली, मूक केवली और उपसर्ग केवली, इस प्रकार 7 प्रकार के केवली भगवान व ज्ञान दर्शन चारित्र संबंधी मैं मन से वचन से काय से सभी सावध हिंसा योगों को त्याग करता हूँ। आत्म साक्षी पूर्वक निंदा करता हूँ, गुरु साक्षी पूर्वक जितने काल में उपासना करता हूँ उतने काल पर्यंत पाप कर्मों व दुष्चेष्टाओं का त्याग करता हूँ। यहाँ आपको पहले 9 बार नमोकार मंत्र श्वासोच्छ्वास के साथ पढ़ना है ना। वैसे तो पढ़ते ही रहते हो, जल्दी जल्दी आराम से पढ़ो, 27 श्वासोच्छ्वास को गिनते हुए आँख बंद करके। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमितविद विषे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोष्पदायते। हिंदी तो आप अपने मन से ही पढ़ लेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ा देते हैं, कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें। तप सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय राणमिदं शरणमिय सिद्धे शिरसाणमंसामि। पढ़ लोगे? पढ़ो एक साथ। इच्छामि वंदे
सिद्धवती काउ सगो कौ तत्सालोच्यू समणान समदंसन समचरिजुत्ताड़म अठवीय कम विप मुक्काड़म अठ गुण संपन्नाणम उड्डलोय मथयम्मी पैठियाड़म तप सिद्धाड़म नय सिद्धाड़म चरित सिद्धाड़म अतीतानागत वर्तमान कालत सिद्धाड़म सब सिद्धाड़म निच कालम अंचेमी पूजेमी। जिन गुण संपत्ति हो, हाँ, शाम को सिद्ध भक्ति आदि ये तीन भक्तियाँ पढ़ी जाती हैं। अगर थोड़ा बहुत कभी आओ बैठो सुनो कुछ हाथ में किताब लेकर के पढ़ो तो ये सब अपने आप याद भी हो जाती हैं। प्रतिदिन शाम को पढ़ते हैं भक्तियाँ, आप सकल देखते रहते हो बस केवल, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे अब इसकी हिंदी। हे भगवान, मैं देवशिक रात्रिक दोषों की आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। उसमें पांच अड़ुव्रत, चलो पढ़ो हिंदी पढ़ो, और जिन दर्शन, ये पाक्षिक श्रावक के। चलो आगे, मधु मांस मधुरा जुआ और शिकार, ये सात विषय जीवन पर्यंत के लिए, अब सभी दोषों की विशुद्धि के लिए, दैवशेक रात्रिक प्रतिक्रमण की, एक साथ पढ़ो, इतने सारे लोग बैठे हो एक आवाज में पढ़ो, घास काटते हो सब, एक आवाज में नहीं पढ़ा जाता, सब एक साथ एक तरह से, समस्त कर्मों के क्षय के लिए भाव पूजा वंदना स्तुति सहित मैं प्रतिक्रमण भक्ति का कायोत्सर्ग, हाँ, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म, हाँ। अब इसकी हिंदी आगे पढ़ लो, जिनेन्द्र देव को नमस्कार हो, नमस्कार हो, हे परम ईश्वर, हे जिन, नमस्कार हो। डांट लगाने से फायदा तो पड़ता है ना। हाँ, अब आगे हिंदी दूसरी, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु गौतम सुधर्म जम्बू स्वामी विष्णु नंदी अपराजित गोवर्धन अंग पूर्वों के धारक जिनेन्द्र भगवान का सभी रिद्धियों से संपन्न महर्षि, ये सब मेरे लिए मंगलदायक हूँ। देखो इसमें पूरा जिन धर्म समाहित हो जाएगा, जो बच्चे रोजाना मंदिर नहीं भी आ पाते किसी कारण से, अगर वो केवल घर पे बैठकर के भी प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो उनकी पूरी नौ देवताओं की आराधना तीर्थ वंदना सब कुछ इसके अंदर समाहित है, है ना। 24 भगवान की स्तुतियां दो दो बार, महावीर भगवान की अलग से, सब कुछ इसके अंदर एक पूरा कंप्लीट पैकेज है फॉर यूथ, है ना। तो आप केवल अपने 20 मिनट अगर प्रतिदिन निकाल सकते हो तो ये मंदिर नहीं आ पाते हैं महाराज क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन का एकमात्र सॉल्यूशन यही है, है ना। चलो आगे बढ़ो, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक के सिद्धायतनों को, अष्टापद पर्वत सम्मेष शिखर ऊर्जयंत पर्वत सिद्धवरकूट बड़वानी कुंतगिरी शिखर द्रोणगिरी पर्वत कोटिशिला इत्यादि स्थानों में जो कोई ईसत प्रागभार मोक्ष शिला पर स्थित सिद्धों की जो सिद्ध भूमि है, कृत्रिम अकृत्रिम जिनायतन है और चैत्य हैं, ये सब मेरे लिए पवित्र और मंगल स्वरूप हैं। इन सबको मैं मस्तक पर अंजलि रखकर,
कैसे? मस्तक पे किताब रखकर हैं, मस्तक पे अंजलि रखकर मन वचन काय की शुद्धि से नमस्कार। एक एक पैराग्राफ उनके दोषों के रूप में लिखा हुआ है। ये मत समझना कि जब हम इन दोषों से मुक्त होंगे तभी हमारे लिए अष्टमूल गुण ग्रहण करना होगा। अष्टमूल गुण ग्रहण करने के उपरांत भी ये दोष लगते रहते हैं। निर्दोष यदि हो जाएगा तो आप एक प्रतिमा दर्शन प्रतिमा के धारी हो जाएंगे, लेकिन अगर निर्दोष नहीं भी होता है तो भी आप अष्टमूल गुणों को लेने के बाद ये सोच सकते हैं कि कौन कौन से अतिचार हमारे जीवन में लगते रहते हैं, उनकी दोषों की शुद्धि इस तरह प्रतिक्रमण करने से हो जाती है ना। तो पहला व्रत कौन सा? पंच अड़ू व्रतों में पहला स्थूल अहिंसा व्रत होता है ना, उसके दोष चलिए पढ़िए। हे भगवान, मैं फिर घास कटने लग गई, एक साथ पढ़ो। दुकान की सफाई में, वाहन से गमन करने में, हिंसक वस्तु और दवा के तीक्ष्ण क्षार अर्थात दरवाजों को खोलने बंद करने में, पृथ्वी पर भारी वस्तु ईंधन जलाने में, विरोधी आरंभी गर्भस्थ का घात होने में, आत्महत्या के ये तीन बार बोलना है। वह दुष्कृत मेरा मिथ्या हो, मिथ्या हो। हाँ, फिर आगे हे भगवान। इस अब दूसरा व्रत असत्य विरति है ना, उसमें दोष लगते हैं, उसका प्रतिक्रमण स्थूल असत्य विरति नामक दूसरे मिथ्या उपदेश देने में, अनादर के दूसरों को ठगने वाले, एकांत का निंदा, चुगली, अनर्थ, वैर बढ़ाने वाले, फूट डालने वाले, विकता करने में, मेरे द्वारा जो पाप कर्म अर्जित किया गया, हाँ वास्तव में थोड़ा सा पश्चाताप करते हुए बोलना, भगवान को ध्यान में रखते हुए, भगवान मेरा ये दुष्कृत्य, हाँ हे भगवान, स्थूल अचौर्य अड़ुव्रत नामक तीसरे मूल गुण में लगे दोषों का मैं किसी की पड़ी हुई वस्तु को, चोरी करके लाई गई वस्तु के ज्यादा खरीदने और मिथ्या हुए, हाँ हे भगवान, अब्रह्म से विरति मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरे द्वारा दिवस रात्रि में जो पाप कर्म मिथ्या हो, मिथ्या हो, हे भगवान, अपरिग्रह नामक पांचवे स्थूल मूल गुण में लगे अपार परिग्रह की सीमा न बनाने में, उसका अतिक्रमण करने में,
अत्यधिक वस्तुएं, मकान जायदाद आदि दूसरे को परिग्रह को देखकर भीतर ही भीतर मन में परिग्रह के प्रति जो परिग्रह है उसका दुरुपयोग करने में मेरे द्वारा वह दुष्कर्म मेरा, हाँ, ये पांच अणुव्रत के प्रतिक्रमण हो गए। अब इसके बाद में जल छानकर पीना, यह भी श्रावक का एक विशिष्ट गुण होता है। यदि आप लोग इस तरह के जल छानने की प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि कभी भी आप जल पिए तो अपने पास में एक शुद्ध वस्त्र रखें, छोटा रूमाल टाइप का साफ, है ना, जिसमें आप अपना मुंह ना पोंछते हो। उस वस्त्र को लेकर के कहीं पर भी अगर आप कहीं पानी पीना होता है तो कम से कम इतना भी प्रयोग करें कि हम उस वस्त्र के माध्यम से ही उस पानी को छान करके पिएंगे। कोई भी बर्तन है, उस बर्तन में आपने पानी भर भी लिया हो और फिर आपने छन्ना लगा करके, अपने रूमाल लगा करके उसको अपने किसी हाथ से या दूसरे गिलास से उसको आप पीने का प्रावधान अगर कर सकें तो यह भी एक अच्छी परंपरा के तहत आपका कुछ भाव बना रहेगा कि हम बस जल छान करके पी लेते हैं। तो इतना भी यदि आप कर पाएं तो भी आपका ये मूलगुण पल सकता है ना। बाकी बिल्कुल शुद्धि के साथ तो तब होगा जब आप कुएं का जल ही ढंग से छानें, उसकी बिलछानी उसके अंदर पहुँचाएँ, लेकिन इतना संभव नहीं है। अगर आप इतना भी करेंगे तो भी आपको अष्ट मूल गुण प्रदान किए जा सकते हैं, है ना, कि हम जब भी जल पिएंगे छान कर पिएंगे, कहीं पर भी पिए, चाहे घर में चाहे बाहर, है ना, ये विचार आप कर सकते हैं। हे भगवान, जल गालन मूल गुण में लगे दोषों का मैं, फटे पुराने वस्त्र से जल छानने में, ऊपर से जल गिराने में, शीतल जल पेप्सी आदि कोल्ड ड्रिंक पीने में, अनछने जल को अब जल ही छान के पीना है, पेप्सी तो छान के नहीं पीना ना नहीं समझे तो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स ये जो चीजें हैं ये तो वैसे भी है? लहर पेप्सी है कि जहर पेप्सी है हाँ, तो ये पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं ये सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको छोड़ने चाहिए, इनसे बचना चाहिए, तभी आपके लिए एक थोड़ा सा शुद्ध पानी पीने का एक विचार बना रह सकता है ना। सब लोग पीते हैं ना, सब पीते हैं, हाँ हाँ, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, फेंटा, कोका कोला, मिरंडा, सब पीते हैं। कम से कम आपको ऐसी गंदी चीज़ों का त्याग करना चाहिए जिनमें सिर्फ केमिकल होता है और कुछ नहीं होता है, और उस केमिकल के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर जो लीवर, किडनी आदि जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं वो जलते हैं उस केमिकल से, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। और आप शौक शौक में इनको पीते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी अज्ञानता है ना, इसको हम क्या कहेंगे, अज्ञानता। तो इस अज्ञानता से यदि आप बचना चाहते हैं तो अपने मन में संकल्प ले सकते हैं कि मैं ठंडी में तो पिया ही नहीं जाता लेकिन गर्मी में भी नहीं पीऊँगा, और इसकी जगह पर जो भी अच्छे ड्रिंक्स होते हैं जैसे नींबू का जूस है ना, और गन्ने का जूस है, और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे जूस आते हैं आजकल तो, पालक के, गिलोय के, है ना, ऐसे जूस पियो वनस्पति के जो आपके लिए अच्छे हों, हितकर हों, समझ आ रहा है। तो अगर आपका मन बने तो एक संकल्प आपके मन में लिया जा सकता है, किसी से जोर जबरदस्ती तो मैं कभी करता नहीं, फिर भी भावना बना करके पूछ सकता हूँ, कितने लोग त्याग कर सकते हैं, नहीं भी लेते हो तो वो त्याग करके अपना जीवन आगे के लिए संकल्प बना के रख सकते हैं, है ना, देखा सीखी नहीं करना हाँ, त्याग है, त्याग है, वो तो ठीक ही है, जिनको त्याग करना है वो आज हाथ उठा लें, जिनको त्याग करना है नए सिरे से आज से ये सोच करके कि हम कुछ नया जीवन शुरू करें, नई साल तो वैसे ही आने वाली है,
है ना, चलो काफी लोग हैं, इतना भी अपना मन बना के रखेंगे तो भी आपके लिए ये प्रतिक्रमण सार्थक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, रात्रि भोजन त्याग मूल गुण में लगे दोषों का मैं, पढ़ते जाओ एक साथ पढ़ो, हाँ, दिन अस्त होने पर भोजन करने में रात्रि में बनाया भोजन दिन में करने में मेरे द्वारा दिवस रात्रि में जो पाप कर्म किया गया वह दुष्कृत्य मेरा। और आठवां मूल गुण है जिन दर्शन, पढ़िए, हे भगवान, मंदिर में कलह करने में मंदिर की आसाधना में दान दिए द्रव्य का ग्रहण करने में जिन देशना के समय आपस में बातचीत करने में निर्ग्रंथ लिंग का मेरे द्वारा ये अष्ट मूल गुणों का एक चैप्टर पूर्ण होता है। अब सप्त विषन जो त्याग किए उनमें भी दोष लगते हैं, है ना, वो भी समझेंगे कैसे लगते हैं। चलिए, पहला विषन कौन सा, मधु माने शहद का त्याग होता है, लेकिन फिर भी किस तरह से दोष लग सकते हैं ये यहाँ पर डिटेल में बताया। हे भगवान, मधु विषन के परित्याग में जो दोष लगा हो मैं उसका शहद वाली औषधि के मधुमक्खी के छत्ते की अति मात्रा में जीवों से मिले हुए मेरे द्वारा दिवस रात्रि में जो मिथ्या हो, फिर मांस व्यसन के त्याग में, पढ़िए आगे, हे भगवान, मांस व्यसन त्याग में उमर कठुमर के सेवन में अवक्ष वक्षण में अज्ञात फलों को खाने में दुकान से खरीदी अमर यादित अन्न और मसालों के अचार मुरब्बा चाइनीज फूड फास्ट फूड खाने में डबल रोटी सेव द्विदल खाने में मेरे द्वारा रात्रि में, ये इनडायरेक्टली मांस का सेवन इस तरह से हो जाता है, क्योंकि जो दो इंद्रिय आदि जीव होते हैं उनके शरीर मांस से सहित होता है, अगर वह अवक्ष भक्षण होता है तो उनके शरीर का कलेवर खाने का दोष मांस के दोष में आ जाता है, है ना, ये त्याग इसलिए बाजार की वस्तुओं का कराया जाता है। पढ़िए आगे, मदरा विषन, हाँ, हे भगवान, अमर यादित जल बिस्लरी का सेवन करने में नींद की देशी विदेशी महुआ व्यापार में गुटका पान पराग आदि मेरे द्वारा ये सब नशे आ गए इसमें, है ना, एक ही नशा नहीं होता है, बहुत तरह के नशे होते हैं, है ना। अब आगे, हे भगवान, जुआ व्यसन त्याग में लगे जुआ खेलने में शर्त लगा के क्रिकेट खेल और पशु क्रीड़ा कई लोगों के तो बिजनेस सट्टा पे ही चलते हैं, है? पूरा ऑनलाइन बस सट्टा होता रहता है, ना कुछ काम है ना कुछ व्यापार है, और बस इसी में पैसा लगाते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं और इस तरह के जीवन पूरा निकालते हैं। हे भगवान, आगे, पर स्त्री रमण व्यसन के जो स्त्रियां हैं वो पुरुष पढ़ेंगे, ब्रैकेट में पुरुष लिखा है ना, और जो पुरुष हैं वो स्त्री पढ़ेंगे, इसलिए पढ़िए, हाँ, पर स्त्री के साथ
वह मेरा वह दुष्कृत्य, हाँ हे भगवान वैश्यागमन व्यसन के मिथ्या हो एक अंतिम और है, हे भगवान शिकार व्यसन के त्याग में ग्रह शोभा बढ़ाने में, ऊन के वस्त्रों के उपयोग में, चमड़े की बेल्ट पर्स आदि के ये मूल रूप से आपका प्रतिक्रमण यहाँ पर इतना हो जाता है। इसके बागे कुछ भक्तियाँ होती हैं जो आपको इस तरह से पढ़नी है। हाँ एक भावना करना है आगे, हे भगवान इस तरह की भावना है ना, मैं इसी की रुचि इसी का इसी की इस रूप के धारण से मेरा जीवन भी, हाँ पांच अड़ुव्रत जल गालन फिर से, हाँ और जिन दर्शन ये पाक्षिक श्रावक के मधु मांस मदिरा जुआ मैं जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देता हूँ। अब सभी दोषों की विशुद्धि के लिए पूर्वाचार्य के अनुक्रम से समस्त कर्मों की क्षय के लिए मैं यहाँ आपको 18 बार णमुकार मंत्र पढ़ना है ना, माने 27 दूनी 54 श्वासोच्छ्वास पढ़ पाओगे गिन पाओगे, पढ़ो गिनो 54 सीधे तो बैठो पहले, कर लिया सब। चलिए अब इसको थोड़ा संस्कृत से ही, इसकी महावीर भगवान की स्तुति है, वीर प्रसिद्धो एक साथ पढ़ लो, वीर प्रसिद्धो जगतीह कीर्त्या वीरम अनंतो स्वहिताय भव्या वीरेण सूक्तम शिववर्त्म शुद्धम वीराय तस्मै वीरात् प्रवृत्तम हितकारी तीर्थम वीरस्य पादे समतैक सौख्यम वीरे हितं भव्यजनात्मनां वै हे वीर धन्योस्मि नुतौ प्रवृत्तः। नीचे भी भक्त्या तु ये वीर पदौ नमन्ति चित्ते पूत स्मृतिमा वहन्ति ते सर्व कार्ये सफला भवन्ति संसार सिंधुं च समुत्तरन्ति दम्मो मंगल मुद्दिष्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतस्स पढ़मन्ति जस्स धम्मे सयामडो। हिंदी पढ़ लो, हे भगवान मैं निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा उपगोहन स्थितिकरण वात्सल्य और ये भी सिंपल सी स्तुति है, संस्कृत में भी सरल भाषा में पढ़िए एक साथ, वृषभम वृषभाराढ्य मजितम चितबंदनम
संभवं भवहर्तारं नंदनं सुमतिं मतिदातारं पद्मं पद्मप्रभालयं सुपार्श्वं चंद्रं चंद्रप्रभादिकं पुष्पदंतं तु दांताक्षं शीतलं श्रेयसं सौख्यकर्तारं वासुपूज्यं सुपूजितं विमलं निर्मलात्मान मनंतं चांतकांतकं धर्मं धर्मध्वजे वायुं शांतिं शांतिनिकेतनं कुंथो कुंथ्वादिभर्तार मरं मारमुरारिरं मल्लिं कर्माष्टके मल्लं सुव्रतं मुनिसुव्रतम् फिर आगे नीचे हे भगवान, मैंने 24 तीर्थंकरों की भक्ति का उसकी आलोचना अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरा समाधि मरण हो, जिनेंद्र भगवान के गुणों की मुझे इस तरह से अब सभी पापों की पाप कर्मों की विशुद्धि के लिए श्री वीर भक्ति श्री चतुर्विंशर तीर्थंकर भक्ति करके उसमें लगे हीन अधिक दोषों के निवारण के लिए ये अंतिम बार नमोकार। हिंदी पढ़िए, इष्ट प्रार्थना। ये इष्ट प्रार्थना है, सभी के लिए जरूर याद रहनी चाहिए। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग को हे भगवान, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक शास्त्रों का पठन मनन चिंतन सज्जनों की संगति सच्चरित्रवानों के गुणों की कथा प्रिय व हितकर वचन और अपने इन सब की मुझे प्राप्ति हो प्राप्ति हो। मुझे जब तक मुक्ति प्राप्त न हो तब तक हे जिनेंद्र, आपके दोनों चरण कमल मेरे मेरा हृदय आपके चरण कमलों में इस प्रकार प्रतिक्रमण को जो शुद्ध बुद्धि का धारक नियम से करता है हे भगवान, मैंने समाधि भक्ति का कायुश्चर किया, तत्संबंधी दोषों की मैं आलोचना करता हूँ। मैं रत्नत्रय स्वरूप गुणों की प्राप्ति होवे। बोलिए सम्य शिखर तीर्थराज की, देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की। आपको ये भी ध्यान में रहे कि यह प्रतिक्रमण जो पढ़ने में आपको बड़ा थोड़ा सा लंबा समय भी लगा, कठिन सा भी लग सकता है, लेकिन यह प्रतिक्रमण इसकी प्रशस्ति देखो नीचे क्या लिखा है। 9 जनवरी 2008 को यह सम्य शिखर में एक दिन में लिखा गया ये पूरा प्रतिक्रमण है।
समझ आ रहा है? यानी जो संस्कृत प्राकृत का मैटर है वो सब एक ही दिन के अंदर सम्मित शिखर में लिखा गया था, जिस दिन वंदना नहीं करने गया था, क्योंकि कुछ कोहरा था, ठंड ज़्यादा थी, तो उस कारण से एक दिन वंदना स्थगित हो गई थी। तो उस दिन जो है ये लेखन का कार्य हो गया था। ऐसे पवित्र क्षेत्र पर लिखा गया यह प्रतिक्रमण है। तो ये आज के समय की, इसमें अब कोई बातें बची ना होंगी, हम समझते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ रह गया बता देना, कुछ रह गया हो तो। तो आज के समय की जितनी भी कुछ बुराइयां हो सकती हैं वो सब इसमें समाहित की गई हैं, और इसका भरपूर उपयोग, जो लोगों को फुर्सत रहती है, बहुत से लोग रिटायर्ड भी होते हैं, प्रतिदिन भी इसको पढ़ सकते हैं। ये एक छोटा सा स्वाध्याय है आपके लिए, श्राप का चार और पूरा एक स्वाध्याय है छोटा सा। तो प्रतिदिन पढ़ना चाहें तो प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा कुछ अच्छा भाव होने तो अष्टमी को पढ़ सकते हैं, चतुर्दशी को पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार किसी भी रूप से पढ़ सकते हैं। संडे मंडे जब आपको फुर्सत मिले, एक दिन, दिन में, रात में, शाम को, कभी भी, है ना, एट एनी टाइम 24/7 कभी भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, इतना ही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदौर।